और जो लोग भी निकले वो लंच के बाद में घर से निकले, नहीं तो जाम में फंसे रहेंगे। बहुत जगह जाम है और उसमें जो लोग एम्बुलेंस है या कोई डॉक्टर का कार्ड किसी के पास में है या जो ज्यादा जरूरत वाले जो लोग होते हैं तो वो निकल जाते हैं उसमें। ऐसा नहीं है कि हमने पूरा सील बंद कर दिया है, ये है कि जाम है, एक मैसेज हमारा चला जाए और बंद है पूर्ण रूप से, भारत बंद है। उसमें दुकानदारों से भी अपील करिए कि वो भी आज बंद रखे और 3-4 बजे के बाद में खोल लें उसको। तो आप जो है यही गाजीपुर बॉर्डर आज रहेंगे या? हम तो यही रहेंगे आज, यहाँ पे ही देखेंगे, यही रहेंगे। यहाँ पे किसान जो है क्या बाहर से भी आ रहे हैं? नहीं नहीं, कोई नहीं आ रहा बाहर से, कोई नहीं। यहाँ पे कहाँ कहाँ बंद रहेगा गाजीपुर बॉर्डर का? नहीं आसपास नहीं, या तो अंदर ऊपर ही रहेगा हमारा तो, और जो दुकानदार जो करना चाहते हो तो भाई कर लो। किसी तरह का कोई मार्च वगैरह भी प्लान? नहीं नहीं, कोई प्लान नहीं। तो ये बंद ज्यादातर इसका असर जो है कहाँ देखा जा सकता है? ये तो सारी जगह देहातू में, उसमें सब जगह रहेगा, ये पूरे देश भर में रहेगा। और ये आपका बंद कब तक चलेगा? ये 4 बजे तक, शाम 4 बजे तक पूरा भारत बंद रहेगा। पूरा भारत बंद रहेगा। और बाकी आप लोगों से जो किसान नेताओं से बात हो रही है, कहाँ कहाँ पे मुझे असर देखने? सब जगह रहेगा ये तो, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये तो सब जगह है, पूरे देश भर में रहेगा इसका सर, पूरे देश में देखेगा। सरकार तो मान नहीं रही आपकी और मान जाएगी, सरकार नहीं मानती तो और 10 महीने में मान जाएगी। लोग ये बोल रहे हैं भाई कि साहब अब चुनाव प्रचार करेंगे। चुनाव कहाँ हो गए, चुनाव प्रचार हम किसका करेंगे? 5 राज्यों में होने वाले हैं चुनाव। नहीं तो किसका चुनाव प्रचार कर रहे हैं हम? ये तो पहला क्वेश्चन करा आपने, हम किसी का चुनाव प्रचार नहीं करते, ठीक है। हम तो यही है, हम तो आंदोलन करेंगे, चुनाव से हमारा कोई मतलब नहीं। तो आप चुनाव में भी तो जाएंगे, सरकार को वोट करने के लिए ऐसा बोला? अरे जब जाएंगे वहाँ कहीं अपनी मीटिंग करने जाएंगे तो लोगों को बताएंगे अपना, भाई जो सरकार खिलाफ कानून लेकर आई तो सरकार से बचना।